नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए पानी की बचत सुनिश्चित करने की दिशा में धान बाहुल्य जिलों में धान के स्थान पर किसानों को कम पानी से तैयार होने वाली वैकल्पिक फसलें अपनाने के लिए चलाए गए जल ही जीवन है अभियान को आज गति दी और इसी के मद्देनजर प्रदेश में किसानों और किसान नेताओं से आह्वान किया कि वे इस अभियान को एक आंदोलन के रूप में चला करके किसानों को धान के स्थान पर मक्का, हरहर, ज्वार, तिल, ग्रीन मूंग तथा बैसाखी मूंग व अन्य फसलों की बुआई करने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने ये आह्वान चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न किसान संगठनों और किसान नेताओं से बातचीत के दौरान किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में 50 से 100 किसानों की एक सूची तैयार की जाए और प्रगतिशील किसानों के मॉडल का अवलोकन करें तथा वे स्वयं भी इसे अपना करके आय में वृद्धि करें। मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि पिछले वर्ष हरियाणा में धान बाहुल्य जिलों में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल के स्थान पर मक्का, हरहर तथा अन्य फसलों को उगाने के लिए किसान फसल विविधीकरण पायलट परियोजना की शुरुआत कर देश में सक्षम जल ही जीवन है का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया था। अब देखें पल पल की एक खास रिपोर्ट।